नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रयत्न एक सामाजिक संस्था और मोहल्ला समिति ने लक्ष्मण झूला क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा निकाली, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ चार धाम यात्रा पर आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने रथ को रस्सी से खींचकर पुण्य लाभ की प्राप्ति की। मौके पर भगवान जगन्नाथ के जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंजता हुआ सुनाई दिया। लक्ष्मण झूला से शुरू हुई जगन्नाथ यात्रा टैक्सी स्टैंड पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान जगन्नाथ का स्वागत किया, माथा टेक कर पूरे उत्तराखंड की खुशहाली को लेकर प्रार्थना करी। जगह जगह श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के भजनों पर झूमते हुए दिखाई दिए। रथ यात्रा के दौरान शंकर पार्वती और राधा कृष्ण की झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। शहर की सड़कों पर लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। उम्मीद है कि सबसे पहले मुख्य मार्गों से ई रिक्शा को हटाने की कवायद शुरू की जाएगी। ई रिक्शा को केवल आंतरिक मार्गों और उन मार्गों पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जहां सार्वजनिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध नहीं है। ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारित होने से करीब 2500 ई रिक्शा का दबाव मुख्य मार्गों से कम हो जाएगा, जिससे शहर के लोगों को काफी हद तक जाम से निजात मिलेगा। बता दें कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने परिवहन विभाग, SSP और DM के साथ संयुक्त रूप से बैठक कर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद पांडे ने बताया कि ई रिक्शा संचालित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं है, उन मार्गों पर ई रिक्शा को चलाकर लोगों को सुविधा दी जाए। लेकिन देखने में आया है कि लगातार ई रिक्शा आंतरिक मार्गों को छोड़कर मुख्य मार्गों पर संचालित हो रही है। ई रिक्शा के संबंध में यह संज्ञान में आ रहा है कि काफ़ी इनसे ट्रैफिक में समस्याएं आ रही हैं, और जिन जो इनका उद्देश्य था कि जो ऐसे छूटे हुए क्षेत्र हैं जहाँ कोई भी सार्वजनिक परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं हैं, उस अंतिम छोर के लोगों को भी ये सुविधा प्रदान करेंगे। लेकिन आए दिन में ऐसा देखा जा रहा केवल ये मुख्य मार्गों पर चल रहे हैं, मुख्य मार्ग को छोड़कर जो आंतरिक मार्ग हैं उनमें ये संचालित नहीं हो रहे। वहीं रायबरेली में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लाठी डंडे से हमला हुआ। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विभागीय अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। मामला शिवगढ़ थाना का है। यहाँ दामोदर खेड़ा गांव में शिव मोहन के घर पर ज्यादा बिल होने के चलते विद्युत विभाग की टीम कनेक्शन काटने पहुंची थी। कनेक्शन काटने के दौरान ही शिव मोहन और अन्य ने विद्युत विभाग की टीम पर हमला कर दिया। किसी तरह टीम वहां से भागने में सफल रही। बाद में हमले का वीडियो वायरल हुआ तो उच्चाधिकारी हरकत में आए और आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। वही महोबा के पत्थर मंडी कब्रई मजदूरों के लिए कब्रगाह बनती जा रही है। आज फिर पहाड़ से गिरकर एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो जाने से उसके परिजनों में कोहराम मच गया। तो वही पुलिस के द्वारा मृतक के शव को पोस्टमार्टम करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा राजू है। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम लौटा पहाड़ मोतीपुरा। क्या घटना हो गई है? पहाड़ में काम कर रहा था, फिर पत्थर गिरा, ऊपर से चोट लगी उसके, नीचे गिर गया। किस पहाड़ की घटना है ये? लौड़ा पहाड़। क्या नाम था जो खत्म हुए? मोहन अहरवाल। अच्छा, क्या जब पहाड़ में काम कर रहा था किसी प्रकार का कोई सेफ्टी उपकरण जो है नहीं पहनाया गया था? रस्सी रहती है। महोबा में सास और बहू के बीच हुई पारिवारिक कलेश के चलते नाराज सास ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं पुलिस के द्वारा मृतका के शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। काल बड़े आवकर है, पता नहीं ये उल्टा सीधा कैदा हुआ है। रात भर नींद लगाई है और रात भर ऊपर छत पे पाए रहे और सुबह 8:30 बजे करीब। जनजाति आयोग की कार्यवाहक अध्यक्षा लीलावती राणा के प्रथम बार सितारगंज पहुंचने पर MP चौक पर भव्य स्वागत हुआ। महिला मोर्चा की महिलाओं ने उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सुमन राय के नेतृत्व में कार्यवाहक अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया।
आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को दोपहर अचानक जनजाति आयोग की कार्यवाहक लीलावती राणा एमपी चौक के निकट राजनिवास पर पहुंची, जहां उत्तराखंड बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की सदस्य सुमन राय ने महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान सुमन राय ने कार्यवाहक अध्यक्ष का तिलक लगाकर और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस दौरान स्वागत में स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। स्वागत समारोह के दौरान जनजाति आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष लीलावती राणा ने बताया कि सरकार जनजातियों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनजातियों से जुड़े जो भी मामले होंगे वो सरकार के समक्ष रखकर उनका निवारण किया जाएगा। वही बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की सदस्य सुमन राय ने बताया कि कार्यवाहक अध्यक्ष का भव्य स्वागत हुआ है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति बेधामी सरकार ने और ताकत दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार महिलाओं का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि लीलावती राणा को जनजाति आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने पर उन्होंने धामी सरकार का धन्यवाद दिया है। जी, मुझे उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्यवाही का अध्यक्ष बनाया है और मैं जो भी एसटी के का महिलाओं के या पुरुष के या भाइयों की जो भी समस्याएं होंगी उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं तो उनको शासन प्रशासन तक पहुंचाना होता है और जो भी किसी चीज़ से उत्पीड़ होती है और कोई भी अगर शासन प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुना जाता है या उनकी केस उसको नहीं दर्ज किया जाता है उनको केस भी दर्ज कराते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। और मुझे सरकार ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल के द्वारा मुझे नामित किया गया है, जो मैं उत्तराखंड की एक समूची जनजाति की और जनजाति आयोग की अध्यक्ष बनाया है। मैं माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के बनाए हुए और उनके कर्तव्यों का पालन करूंगी और जहां तक जितनी भी जनजाति की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करूंगी। महिला के नाते हम लोगों को इतनी मन में हर्षोल्लास था कि इधर से निकल रही थी, जैसे हमें जानकारी हुआ हमारी महिला मोर्चा सब एकत्रित हुई और फूल मालाओं से बम्पर स्वागत की हैं। आयोग का मतलब ये होता है कि आयोग में सुनवाई होती ही होती है। अब जनजाति की कुछ लोग दबे कुचले लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, नहीं सरकार तक बात पहुंचा पाते हैं, तो इनकी बात अच्छी से सुनवाई होगी और पुलिस भी कार्रवाई करेगी, डीएम एसडीएम सब लोग सक्रियता से बात सुनेंगे। मैं बाल आयोग की सदस्य उत्तराखंड सरकार में सुमन राय हूँ और बच्चों की भी समस्याएं जैसे कहीं भी होता है तो मैं भी रखती हूँ, बड़े उससे सुना जाता है और सबका एक तरफ से धामी जी के और मोदी जी के सहयोग से सबका सुनवाई होता है, सबका मतलब उनके उस पर निर्णय लिया जाता है क्या उचित है क्या अनुचित है। आयोग से हम लोगों के पास लेटर आता है, उस पर जांच होती है। आगामी कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए आज जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्री गंगा सभा व्यापार मंडल और सिडकुल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन द्वारा सभी लोगों से कांवड़ मेले में होने वाली परेशानियों को लेकर सुझाव लिए गए, जिसे कांवड़ मेले से पहले ही दुरुस्त किया जा सके, क्योंकि कांवड़ मेले में इस बार जिला प्रशासन पिछली बार आए 4 करोड़ कांवड़ियों से भी ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल का कहना है कि आज जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्री गंगा सभा व्यापार मंडल और सिडकुल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे द्वारा सभी से कांवड़ मेले का सकुशल संपन्न कराने के लिए सुझाव दिए गए। जिला अधिकारी का कहना है कि पूर्व में कांवड़ मेले में 4 करोड़ के करीब कांवड़िया हरिद्वार आए थे, इस बार इससे भी ज्यादा कांवड़ियों के आने का अनुमान है। भीड़ को देखते हुए हमारे द्वारा पार्किंग को भी चिन्हित किया गया है। नगर निगम द्वारा जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। कांवड़ मेले के लिए जितना धनराशि हमें मिल रहा है उसको देखते हुए व्यवस्था की जा रही है, जिससे हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कांवड़ मेला के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त मीटिंग थी, जिसमें सभी स्टेक होल्डर, चाहे हमारे व्यापारी बंधु हो, चाहे धर्मशाला एसोसिएशन हो, सिडकुल के पदाधिकारी हो और जो भी हमारे इसमें एसपीओ वगैरह सभी लोग शामिल रहते हैं, सभी से सुझाव भी लिए गए, पिछले सालों के जो अनुभव थे उसको भी साझा किया गया और कुछ नई नई चीज़ें जो आई हैं, पार्किंग्स को लेकर हो, चाहे डाइवर्जेंस को लेकर हो या पास को लेकर हो, इन सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की गई और जो जिसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो यहाँ के व्यापारीगण हैं जो लगातार इतने सालों से यहाँ पर कांवड़ को देख रहे हैं, उनके सुझाव बड़े पॉजिटिवली लिए गए हैं और उसमें बहुत हद तक हमने उन सुझावों को पूरा भी कर दिया है। जो पॉसिबल सुझाव थे उन पर भी विचार करके
उसको आगे अभी इस वीक में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारे डाइवर्जेंस प्लान है, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो, चाहे कावड़ डाक कावड़ को लेकर हो, सभी कुछ अपने आपस में विचार विमर्श कर लिया है। और आगे आने वाले समय में भी छोटी छोटी मीटिंग जो स्टेक होल्डर्स के जो आती रहेंगी, ड्यूरिंग कावड़ हो, सोमवती अमावस्या भी है, उसमें भी भारी भीड़ आने की संभावना है, सभी को देखकर चर्चा की गई है। और मुझे लगता है कि इस सभी के जो सुझाव है उसको साथ लेकर चलेंगे तो सकुशल ये कांवड़ मेला भी संपन्न होगा। इसमें देखिए, जब कोई भी पर्व या कोई भी चीज़ ऐसी हमारी होने वाली हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, उनके साथ वार्ता हो जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने आप सभी स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित किया था, जिसमें व्यापार मंडल के काफ़ी उनके पदाधिकारी थे, धर्मशालाओं के जितने पदाधिकारी थे, और सिडकुल के प्रतिनिधि और साधु संत समाज के जो प्रतिनिधि थे, उन सभी को बुलाया गया है। और जो प्रस्तावित हमारी प्रस्तावित के आने वाले समय में जो 4 तारीख से हमारी कांवड़ की यात्रा शुरू होगी, तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन हम लोगों ने लेने हैं, और इस दौरान व्यापारियों को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ की जनता को, स्थानीय जनता को यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, और जो कांवड़िए आ रहे हैं सदा के साथ हमारे हर की पैड़ी क्षेत्र में, और उन लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। मोरानीपुर तहसील में एक गांव ऐसा भी है जहां पर पिछले 5 साल से टूटे हुए पुल के भरोसे ग्रामीण आना जाना कर रहे हैं, तो वहीं आज आई तेज बारिश से नदी में पानी के बहाव के चलते टूटा हुआ पुल भी बह गया। अब ग्रामीण का मुख्य मार्ग से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। जानकारी के अनुसार विकासखंड बंगरा के अंतर्गत आने वाला ग्राम पटगुआ में टूटे हुए पुल के भरोसे लोग आना जाना कर रहे थे, तो आज नदी में आए पानी के चलते वो टूटा हुआ पुल भी बह गया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि आज गांव में 3 बारात आनी है, लेकिन गांव से मुख्य मार्ग का संपर्क टूट जाने से अब बारात कैसे आएगी। इसके साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि आज की स्थिति में अगर गांव में कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज हो पाना असंभव है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जिम्मेदारों को इस परेशानी से अवगत करवाया गया है, लेकिन समस्या का समाधान किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या राजनेता ने नहीं किया, जिसके चलते ग्रामीण आज काफी परेशान है। वहीं गाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 1 करोड़ कीमत की हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए चलाए मिशन शक्ति अभियान के तहत हरदोई में भी पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस महत्वपूर्ण मिशन को सफल करने के लिए गांव-गांव में चौपाल लगाकर महिलाओं को जागरूक कर रही है। कई गांव में चौपाल लगाकर महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के साथ जागरूक किया जा रहा है। SP राजेश द्विवेदी के द्वारा भी चौपालों में पहुंचकर न सिर्फ समीक्षा की जा रही है, बल्कि अभियान की जमीनी हकीकत परख कर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। वहीं जालौन में तहसील भवन की बिल्डिंग पर चढ़कर युवक ने हंगामा किया। SDM और तहसील कर्मचारियों की कार्यशैली से नाखुश होकर युवक बिल्डिंग पर चढ़ गया। काम न होने से नाराज युवक ने जहर खाने का भी प्रयास किया। युवक का आरोप है कि तहसील में उसकी SDM द्वारा फरियाद नहीं सुनी जा रही है, वो कई बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुका है। मामले में अधिकारियों और पुलिस ने समझा बुझा कर युवक को नीचे उतारा। मामला जालौन के मधौड़ागढ़ तहसील का है। हरदोई में एक साइकिल चोर को तालिबानी सजा दी गई। यहां साइकिल चोरी करते वक्त एक युवक को रंगे हाथ इलाके के लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद उसके हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई की गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग वीडियो में आरोपी से पूछताछ करने में जुटे हुए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुद को कस्बे के पूर्व चेयरमैन का भतीजा बताया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है और अग्रिम कार्रवाई करने की बात कह रही है। यह वीडियो थाना सांडी अंतर्गत का है, कस्बे का है, जहां पर एक चोर विकेट है जो साइकिल चुराते हुए पब्लिक ने पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया। उस प्रकरण में पुलिस द्वारा वादी से तहरीर ली जा रही है और उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं बस्ती जिले के महाराजगंज NH 28 पर भीषण सड़क हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इनके अलावा 5 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पिकअप में 14 मजदूर सवार होकर बहराइच से मजदूरी के लिए बस्ती जा रहे थे,
गाड़ी जब कप्तानगंज थाना के महाराजगंज ओवरब्रिज पर पहुंची तो तेज रफ्तार की वजह से अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप में सवार सभी 13 लोग घायल हो गए, जिनमें से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को CHC कप्तानगंज ले गई, जहां पर डॉक्टरों ने 7 लोगों को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 22 तारीख को सुबह लगभग 7:30 बजे कप्तानगंज थाना अंतर्गत हाईवे पर एक बोलेरो पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लगभग 14 लोग सवार थे। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार किया गया, जिसमें 7 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जिनका वहां पर उपचार किया जा रहा है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ में फैजान नाम के एक व्यक्ति के साथ रहने वाली युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना पाकर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। परिजनों का कहना है कि युवती की शादी दीपक नाम के एक व्यक्ति के साथ की गई थी, लेकिन पिछले 1 साल से वो फैजान के साथ रह रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना कोतवाली के भुजपुरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत सुपर कॉलोनी में कल एक महिला मुस्कान द्वारा फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली गई थी। मकान मालिक व मोहल्ले वालों से पूछताछ पर ज्ञात हुआ उसके पति का नाम फैजान था। तत्पश्चात लड़की के घर वालों का पता लगाकर पुलिस द्वारा उनको सूचना दी गई। वे लोग उपस्थित हुए और उनके अनुसार से पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई कराई गई। एटा जिले के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र में प्रदूषण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ के एक दल बुधवार दोपहर को अलीगंज पहुंचा, जहां उन्होंने राजस्व विभाग, पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की मदद से अवैध रूप से संचालित हो रहे ईंट भट्टों पर कार्रवाई की। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस कार्रवाई से जिले भर में हड़कंप मच गया है। प्रदूषण बोर्ड के मॉनिटरिंग असिस्टेंट जितेंद्र सिंह ने बताया कि अलीगढ़ रीजनल ऑफिसर डॉक्टर JP सिंह के नेतृत्व में शिकायत के आधार पर अवैध रूप से संचालित 3 भट्टों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि राजा का रामपुरा थाना क्षेत्र के RK ईट उद्योग, नगला मथुरी, खाटू श्याम ईट उद्योग, तहला और दयाल ईट उद्योग पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के SSP आवास पर तैनात एक पुलिसकर्मी के बेटे को चरस गांजा स्मैक की तस्करी किए जाने की शिकायत करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब नशीले मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला एक दर्जन के करीब एक बदमाशों ने पुलिसकर्मी के बेटे को देर रात जेल पुल के नीचे पकड़ लिया और उसके ऊपर तमंचे की बट लोहे के सरिये से हमला बोलते हुए जमीन पर गिरा गिरा कर बेरहमी से पिटाई किए जाने का 1 मिनट 39 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।